हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू? एक्चुअली इफ वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली डील करती है विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज दे आर इन एक्चुअल, यानी कि जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एक्चुअल टर्म्स में डिस्कस करती है। व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन उसको डिस्कस करती है, एंड ऑल्सो इट टेल्स That how these problems are actually solved. ये problem को हम actually किस तरह से solve कर सकते हैं। For example, whatever the situation of poverty. For example, it says that about 20% of the Indian population is living below poverty line. तो ये हमारा क्या है? एक positive economics है। This is a statement relating to positive economics. So positive economics, it deals with the economic problems as they are in actual, as well as how they are actually be solved. So this is what it deals with. What are the economic problems? Economic problems hamari kya hain? And how are they actually solved? Aur unko actually aap kaise सॉल्व कर सकते। वेयर एज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट वर्क्स इन एन आइडियलिस्टिक मैनर। इट इज डीलिंग विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स व्हाट दे आउट टू बी। इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का किस तरह से सॉल्यूशन होना चाहिए। हो सकता है नहीं, होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस। ये एक्चुअली हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हमको बताते हैं, और ये हमारा क्या होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दिस इज व्हाट रिलेटिंग टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, इफ वी से दैट पॉवर्टी इन इंडिया शुड बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दिस इज व्हाट आर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। शुड बी क्या होना चाहिए, achieving an idealistic situation. Next come to verification. ये जो हमारी positive economics होती है, this is always based on fact and figures. यानी कि हमारे पास क्या होता है, actual data होता है। The positive economics deals with the actual data. And therefore, जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट होते हैं दे कैन बी वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑफ दोज फैक्ट्स एज वेल एज द डाटा। जो भी हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स अवेलेबल हैं, हम उनके बेस पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। राइट, इफ आई से दैट the export of India had increased by 20% between the period from 1914 to 2014 to 2022, right? Now we are available with the data relating to our foreign trade. हमारे foreign trade से related जो भी data है 2014 से लेके 2022 तक, they are available with us, और उसके बेस पर हम ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं whether
द स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग. यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा करेक्ट होते हैं. ठीक है, अब वो करेक्ट है या नहीं, इट कैन बी वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो दिस इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डाटा इट कैन बी वेरीफाइड. लेकिन ये हमारा वेरीफाइड नहीं हो सकता, राइट? ये हमारा वेरीफाइड नहीं हो सकता बिकॉज वी डू नॉट हैव द फैक्ट्स एंड डाटा अवेलेबल हियर. यहां पर हमारे फैक्ट्स और डाटा अवेलेबल नहीं होते हैं और इसलिए हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट, व्हाट इज द एम हियर? इसका एम क्या होता है? इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसको रियली एक्सप्रेस करना, उसकी रियलिस्टिक सिचुएशन को सामने लाना. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग बाय अराउंड 4% इन रिसेंट ईयर्स, राइट? So this is what you can say. हमारे पास क्या है, एक real description है किसका, economic problem. जो भी हमारी economic problem होती है उसका एक real description that is given by positive economics. ठीक है, for example, if I say that there are 20 crores around 20 crores people in India, they are living below poverty line. तो ये हमारा क्या है, एक real description. Here, in this case, हमारा aim क्या होता है? What is this aimed for? To determine and achieve ideal situation. Ideal situation को achieve करना, right? Ideal situation को achieve करना, कि हमारी भाई poverty को बिल्कुल खत्म करना, elimination of poverty. This is obviously an ideal situation. तो आइडियल सिचुएशन को डिटरमाइन करना और उसको अचीव करना, दैट इज द एम ऑफ द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. ये हमारे जो भी एंड्स होते हैं, जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बीच में ये बिल्कुल न्यूट्रल बैठा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? And does not involve value judgment. इसलिए इसमें value judgment नहीं होता. इसमें किसी भी तरह का कोई भी value judgment नहीं होता. That means if we say in positive economics that the tobacco products or the liquor, the consumption of liquor is injurious to her health, but it does not give any judgment that the government should take steps to stop its supply or its manufacturing. इसकी manufacturing को रोकने के लिए government को steps लेने चाहिए, तो इस तरह का कोई भी value judgment यहां पर नहीं होता. Here in this case it involves value judgment. Then suggested, जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ये हमारा फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड होता है, डाटा पर बेस्ड होता है, एक्चुअल डाटा पर बेस्ड होता है. ये हमारा जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है उसको ये उसका एक्चुअल डिस्क्रिप्शन करता है. तो ऑब्वियसली यू कैन से कि ये हमारा सजेस्टिव नहीं होती. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट सजेस्टिव, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स द ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिक अबाउट वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में इकोनॉमिस्ट की क्या राय है, क्या उनकी ओपिनियन है, ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में शामिल होती है. एंड दैट्स व्हाई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज सजेस्टेड इन नेचर. So these are some of the important differences
between positive economics and normative economics. So with this, the video comes to an end. If you like the video, please comment and subscribe my channel, The Incredible Scholars. Thank you and have a learningful day.